तो आप देख सकते हैं ये मंदिर है। हम पहले स्नान करेंगे, नहाएंगे, उसके बाद जाएंगे मंदिर में दर्शन करेंगे और आपको भी दर्शन करवाएंगे। ये एक घर बना हुआ है जहाँ पर जब श्रद्धालु लोग आते हैं, कुछ मन्नत वगैरह रखे रहते हैं तो भगवान के लिए पूरी वगैरह बनाते हैं चढ़ाने के लिए, परिवार सहित आते हैं तो यहाँ पर बना के खाना भोजन पानी करते हैं। ये कच्चा वाला घर जो है वो मंदिर पुजारी का है, वो मंदिर है बजरंगबली का, और ये छोटा वाला इसमें शंकर जी हैं और फिर पीछे जो है तो शंकर जी हैं। तो ये है, और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये जो पतली सी नदी बही हुई है ये वाली, ये एक नाला टाइप का है जिससे पानी बह करके वो उस बगल वाली नदी में जाती है। वो नदी आप देख सकते हैं उधर। हो ये बड़ी वाली नदी है और ये पतली वाली नदी नाला है जिससे पानी बहकर उस बड़ी वाली नदी में जाती है। वो नदी के अंदर ही आप देख रहे हैं चट्टान जो है, चट्टानों में बजरंगबली का चरण चिन्ह है जो कि आगे चलकर हम दिखाएंगे आपको। और ये हमारे दोस्त भाई लोग हैं। जी आ रहा हूँ। चिन्ह कौन है? अमेजिंग। ये जो यम भागवत हो वाली है। ये है जगह। बजरंगबली का दर्शन करेंगे, आज मंगलवार का दिन है। कैसा लगा नहा के? पानी कैसा था? एक नंबर। तुम बताओ दोनों भाई। बहुत अच्छा रहा। ये अपना के मऊगंज जिला के अंतर्गत एक खनी मंडपहा मंदिर है। दिव्य स्थान है। इनमें पंकज दादा नहाए ही, अतुल मिश्रा नहाए ही, दीपू नहाए ही, और नहाए के बाद ऐसा लागत है स्वर्ग हो, लागत है जीवन पर्यंत का छोड़ के जावन करी। यहाँ के प्रसिद्धि के बारे में बताओ। बजरंगबली यहाँ की प्रसिद्धि है कि यहाँ पर भोलेनाथ जी का मंदिर है और उस मंदिर के बगल से एक नदी निकली हुई है, तो इसका पानी अत्यंत संचायित रहता है, बहुत ठंडा भी है। और यहाँ पर बताया जाता है पूर्व काल में एक गौ माता का किसिल गया था, यहाँ पर रामचरण लिखा हुआ है, आप यहाँ पर व्यवस्थित रूप से देख सकते हैं, भोलेनाथ का दर्शन कर सकते हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली।